जी शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज 1 मई को बुधवार के दिन पड़ी है अष्टमी तिथि। देखिए, बुधवार की अष्टमी है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। और हम सभी जानते हैं कि बुधवार का जो दिन होता है विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित होता है। और देखिए, गणेश जी क्या करते हैं, ये हमारे जीवन के विघ्नों को दूर करते हैं, इसीलिए हम इन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। और ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, भाग्य विधाता हैं, इसीलिए हमें गणेश जी की विशेष रूप से कृपा को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति के लिए गणेश जी के नियमित इस दिन हमें करना चाहिए बहुत ही सुंदर सा उपाय। साथ ही साथ देखिए, बुधवार का जो दिन होता है, साथ ही साथ बुध ग्रह को भी मजबूत करने के लिए बहुत ही खास होता है। तो इसीलिए हमें इस दिन करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप सभी ज़रूर लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, किन लोगों को करना है और क्या क्या सामग्री का प्रयोग करना है हमें। देखिए, ये उपाय विशेष रूप से जो रोग मुक्ति का उपाय है, यानी आपके घर में यदि बहुत ज़्यादा रोगों की समस्या है, यानी कि अब ये रोग देखिए, आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बहुत अधिक सोचता है, तनाव में रहता है, तो उसे तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। उसकी जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, नज़र लग जाती है, या उसे कोई ना कोई रोग लगा रहता है, तो रोग मुक्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही खास उपाय है। देखिए, आपको करना किस प्रकार से है आपको ये समझना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको लेना है दुर्वा घास, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को दुर्वा घास कितनी ज़्यादा प्रिय है, कितनी ज़्यादा उन्हें पसंद है ये दुर्वा घास। इसीलिए आपको गणेश जी के नियमित ये उपाय करना है। आपको मात्र 5 ले लेनी है दुर्वा घास, ठीक है ना। तो देखिए, दुर्वा घास को आपको इकट्ठा करके उसका एक बंडल सा बना लेना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उसे सफ़ेद सूत होता है ना, उससे आपको बांध करके एक आपको बंडल बना लेना है दुर्वा घास का, ठीक है। अब इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है, और ये दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। अब देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर प्रदोष काल के यानी रात्रि के समय तक कर सकते हैं, 9-10 बजे तक। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए, आपने 5 दुर्वा घास ली है और एक तांबे के पात्र के अंदर जल। अब ये दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, आप मंदिर आ गए, अब आपको ये उपाय किस प्रकार से करना है। आप शिवलिंग के समक्ष आ गए, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग के समक्ष आपको उत्तरमुखी होकर के वहीं पे बैठ जाना है, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो आप 5 दुर्वा घास लेके आए ना, जिसका आपने बंडल बनाया है, अब इस दुर्वा घास को भगवान शिव के समक्ष ही यानी सामने ही आपको ये 5ों दुर्वा घास को जल का जो पात्र है ना, इसके अंदर आपको इसे डाल देना है। किस प्रकार से डालना है, कि जो पत्ती का हिस्सा है ना वो अंदर चला जाए और डंडी का हिस्सा है ना वो बाहर रहना चाहिए पानी के ना। इस प्रकार से आपको दुर्वा को जल के पात्र के अंदर डाल करके घुमा देना है, ठीक है ना। और देखिए, जब आप ये दुर्वा को जल के पात्र के अंदर घुमाएंगे ना, तब आपको ओम गण गणपते नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। साथ ही आपको ओम बुद्ध बुधाय नमः इस मंत्र का भी 11 बार जाप करना है। यानी दोनों मंत्रों को आपको 11-11 बार जाप कर लेना है, और आपको ये दुर्वा घास को जल के पात्र के अंदर घुमा देना है, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो 5 दुर्वा घास का जो बंडल है ना, ये आपको अब अपनी जीवन के जो भी कष्ट हैं, जिन भी परेशानियों को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो भी
जीवन में रोग लगे हुए हैं, परेशानी लगी हुई है, यानी कष्ट हैं, बाधाएं हैं, इन सभी को दूर करने के लिए आप जो ये उपाय कर रहे हैं उसका आपको स्मरण करना है। उसके पश्चात आपको ये जो बंडल है ना, 5 दुर्वा घास का, इस बंडल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग में सीधी तरफ, जहाँ गणेश जी का स्थान है ना, वहाँ पे आपको इसे समर्पित कर देना है ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए, आपने अर्पित कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आप तांबे के पात्र के अंदर जल लेके आए थे ना, अब इस जल को आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने जो दुर्वा घास अर्पित किया ना गणेश जी वाले स्थान पर, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जल ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करना है। उसके पश्चात थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती जी के हस्त कमलों पर अर्पित करना है। उसके पश्चात अंत में आपको सारा शेष जल जितना भी पात्र के अंदर है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अवधूधेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। अवधूधेश्वर महादेव की कृपा अगर आपके जीवन में होती है ना, तो आपके जीवन की सारी जो परेशानियां होती है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। इतना ज़्यादा खास ये उपाय है। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय करते हैं तो देखिए, इस प्रकार से यदि ये उपाय आप कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन के जो भी समस्त कष्ट हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, रोग की समस्या है, यानी जो भी जीवन में आपके परेशानी लगी हुई है ना, तो वो इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपके जीवन से जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए, इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय आज के दिन ज़रूर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, ये तो हो गया पहला उपाय। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा विशेष है। ये उपाय विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए है, जीवन में ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति के लिए है, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए है, साथ ही साथ धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए। किस प्रकार से उपाय करना है आपको ये समझना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेनी है 7 हरे मूंग के दाने। जी हाँ, आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं, साबुत वाले, ठीक है ना। 7 आपको हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। इसी के साथ अब देखिए, ये हरे मूंग के दाने जो आपने लिए हैं ना, ये आप देखिए या तो किसी कटोरी में ले लीजिए, ठीक है ना। अगर कटोरी नहीं ले सकते तो, मतलब कटोरी नहीं ले रहे, तो आपको क्या करना है, कोई डोना ले लीजिए। जैसे पत्तल सी आती है ना, डोने वाले आते हैं, ऐसा आपको डोना ले लेना है, या फिर कटोरी ले लीजिए, क्योंकि ये आपको रख के आना पड़ेगा, इसीलिए आपको पात्र का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। तो आपको 7 ले लेने हैं हरे मूंग के दाने, जो आपको एक डोने के या फिर कटोरी के अंदर रख लेने हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको रखना है एक गुड़ का टुकड़ा, ठीक है ना, मात्र एक गुड़ का टुकड़ा रखना है। और अब आपको इसी के साथ लेने हैं 5 बेलपत्र, ठीक है ना। बेलपत्र कैसे लेने, कटे फटे या खंडित ना हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिसकी तीनों पत्ती साबुत हो, ऐसे आपको बेलपत्र का प्रयोग करना है। तो 5 बेलपत्र ले लेने हैं, और वो आपको फिर गुड़ के टुकड़े के ऊपर 5ों बेलपत्र को आपको रख देना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपने कर लिया। अब आपको जो ये कटोरी तैयार की है ना आपने, जिसमें आपने 7 हरे मूंग के दाने, एक गुड़ का टुकड़ा और 5 आपने इसमें बेलपत्र डाले, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस कटोरी को आपको आपके घर में जिस, तो देखिए आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है ना, यानी आपके बच्चा है या आपके पति है या घर का कोई अन्य सदस्य है, जो आपकी बात नहीं मानता है, उसको उसके जीवन में बहुत अधिक कष्ट हैं, परेशानियां हैं, संकट लगे हुए हैं, बीमारियां लगी हुई हैं, तो उस व्यक्ति का आपको क्या करना है, 21 बार जो आपने ये सामग्री तैयार की है ना कटोरी में, इसको आपको 21 बार उस व्यक्ति का उतारा उतारना है। कैसे उतारना है, जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है ना, इस प्रकार से आपको 21 बार उस व्यक्ति का उतारा उतार देना है। और देखिए, जो आपने ये सामग्री तैयार की है ना, इससे आप एक ही व्यक्ति का उतारा उतार सकते हैं, और सीधी तरफ से आपको उतारा जो है शुरू करना है, यानी इस प्रकार से आपको उतारा उतारना है, और एक व्यक्ति के लिए एक ही सामग्री का प्रयोग होगा, यानी जो ये सामग्री आपने तैयार की है, इससे आप एक ही व्यक्ति का उतारा उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो ये सामग्री है ना, इस सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन जो आपने तैयार की है, अभी उतारा उतारा है, इसको लेकर के आपको अपने घर से बाहर निकलना है, और आपको इस उतारे को लेकर के चले जाना है गणेश जी के मंदिर, ठीक है ना।
अब जरूरी नहीं है कि विशेष रूप से गणेश जी का ही मंदिर हो, उनकी प्रतिमा होनी चाहिए भगवान शिव के। शिवलिंग के समक्ष भी जो है पूरा शिव परिवार विराजमान होता है, तो आप वहाँ पर भी जा करके इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आप मंदिर आ गए तो आपको क्या करना है, गणेश जी के समक्ष आपको जो ये आपने उतारा है ना, ये गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ और आपके उल्टे तरफ, यानी आप करेंगे जब उपाय तो आपका उल्टा हाथ आएगा और गणेश जी के सीधी तरफ आपको इस कटोरी को रख देना है। उसके पश्चात आपको ओम गण गणपते नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है और आपको गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपका जो ये बच्चा है आपकी बात नहीं मानता है, आपके अनुसार चलता नहीं है, इसके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, ज्ञान विवेक बुद्धि की कमी है, तो अपने अनुसार आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे बच्चे के जीवन की सारी परेशानियां दूर हों, उसे ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति हो, इस प्रकार से अपने अनुसार आपको प्रार्थना कर लेनी है। और मात्र आपको इतना सा ये सुंदर सा उपाय करना है। अंत में आपको जो कटोरी है या आपने जो डोना लिया है तो वो आपको वहीं पर रख करके आ जाना है, उसे लेकर के बिल्कुल भी नहीं आना, और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है जो आपको इस वैशाख की अष्टमी तिथि पर करना है। आज की इस वीडियो में हमने आपको दो उपाय बताए हैं, कौन सा उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं वो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।